Hey, this is Ankit Fitness. Welcome back to my channel again. Thank you so much for your love and support. Sponsor by Safety Fitness. आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे. So guys, आज फाइनली और एक वीडियो की तरफ हम आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है आज से हम वीडियो बनाएंगे पहले शॉर्ट पार्ट वाइज एंड पोस्टर वाइज कि हम जो पार्ट को वर्कआउट करेंगे जो भी है बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर चेस्ट बैक लेग तो हम एक एक सिंगल सिंगल पार्ट वाइज फॉर्म वाइज आपको बताएंगे क्योंकि एक्चुअल पोस्चर में अगर हमको ठीक से नहीं पता होगा तो हम उसको ठीक से ट्रेन कर नहीं पाएंगे और ठीक से हम उसको क्रिएट कर नहीं पाएंगे अपना मसल्स को बिल्ड कर नहीं पाएंगे. तो सबसे ज्यादा गलती होता है आजकल लोगों को जोश रहता है बॉडी बनाना है ये करना है वो करना है इनको एक्चुअल फॉर्म्स पता नहीं होता है कितना ब्रीदिंग लेना है कितना पोस्चर करना है कितना आपका डिग्री में रखना है क्या करना है वो करना है. तो आज का जो वर्कआउट हम जो ऐड किए हैं आज का जो पार्ट है वो है बारबेल बाइसेप्स कर्ल्स. नॉर्मली गाइस लोगों को बस बाइसेप्स मारना होता है टोले सोले बनाना होता है. आजकल तो जिम जाना है टोले सोले बनाना सबका इम्पोर्टेंट वही है तो हमको सभी चीज में ध्यान देना है. तो आज का जो हम टॉपिक रखे हैं बारबेल बाइसेप्स कर्ल्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में फॉर्म्स कैसे होता है. तो लुक एट फर्स्ट अब सभी के पास नॉर्मली एक बार होगा सभी के पास ये तो एक नॉर्मल चीज है लोगों को लगता है कि मैं इंडिपेंडेंटली शोल्डर के लेवल में पकड़ लिया और ये मेरा बाइसेप्स हो गया. बट आपको बताना ये चाहता हूँ कि बाइसेप्स में भी साइंटिफिकली देखो तो हमारा बाइसेप्स में दो मसल्स रहता है एक रहता है लॉन्ग हेड और एक सॉफ्ट हेड रहता है. जो एक लंबाई जो है आपका एरिया एक लॉन्ग हेड और सॉफ्ट हेड जो आपका पीक एरिया है तो उसी के पार्ट वाइज भी वर्कआउट रहता है कैसे क्या करना आपको बता रहा हूँ. तो अगर सपोज आपके पास एक बारबेल है कुछ लोग वाइडर पकड़ते हैं कुछ लोग क्लोज पकड़ते हैं कुछ लोग इंडिपेंडेंट पकड़ते हैं. तो गाइस आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम जब वाइडर ट्रेन कर रहे हैं हम उसको अगर स्क्वीज कर रहे हैं तो ये हो गया आपका लॉन्ग हैंड ये आपका बाइसेप्स का लंबाई का मदद करेगा. देन हम जब अगर क्लोज रहते हैं तो ये हो गया आपका पिक बस पर्टिकुलरली आपका पिक को सपोर्ट करेगा. और देन हम इंडिपेंडेंट तो इसमें हम थोड़ा सा वेट बढ़ा के मार पाते हैं और ये हो गया आपका बाइसेप्स का साइज को गेन करना. तो अब आते हैं फॉर्म की तरफ. हम जब बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं मेक श्योर आपका जो लोअर है फुट है आपका जो पैर है थोड़ा सा लूज रखिएगा ये थोड़ा सा लूज रहेगा हल्का सा पूरा स्ट्रेट नहीं रहना आपको थोड़ा सा लूज रखना है. ग्रिपिंग पोजीशंस कंप्लीटली आप थंब इन थंब आउट रख सकते हो. तो मेरा मानना ये है कि पहले आप साइज को गेन करिए इंडिपेंडेंटली शोल्डर के लेवल में आप बाइसेप्स को रखिए और थोड़ा कोशिश करिए कि आपका आर्म थोड़ा सा आगे रहेगा. जब आप उसको ट्रेन करोगे कंप्लीटली आपका बाइसेप्स को वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने रिट्रैक्ट करेगा. और ब्रीदिंग को ध्यान देना हमेशा जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ब्रीथ को इन करके जब रिट्रैक्ट कर रहे हो ब्रीथ आउट करना है. और अगर आप अपना अभी स्टार्टिंग में हो पहले धीरे धीरे आप वेट को बढ़ाइए अच्छे से करिए थोड़ा सा वेट बढ़ा के रेपिटेशंस कम करना है भले सेट थोड़ा सा दो तीन एक्स्ट्रा कर दो. जब हम रेपिटेशन ज्यादा करते हैं ना तो वो आप मसल्स जल्दी थकता नहीं है वो गेन कर नहीं पाता है वो आपको कटिंग रखने की प्लानिंग करता है. अगर सही से आप अगर गेनिंग डाइट में हो और कटिंग करना चाह रहे हो तो कहीं से भी नहीं हो सकता है. तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रिप मैं आपको बता रखा हूँ. जब हम वाइडर पकड़ रहे हैं तो बाइसेप्स के लेंथ के लिए काम कर रहे हैं हम जब पूरा क्लोज कर रहे हैं तो वो बस पर्टिकुलरली पीक को अटैक कर रहा है. और जब हम इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा वेट बढ़ा के मार रहे हैं तो बस वो आपका बाइसेप्स का साइज गेन कर रहे हैं. तो पहले साइज को गेन करिए उसके हिसाब से आप आपके पास तो प्रोसीजर है पोस्चर है उसी के बाद अच्छे से आप अपना बाइसेप्स को क्रिएट कर सकते हो. तो ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल स्ट्रेट बारबेल हो गया. कई लोगों को पता नहीं है कि उनके पास एक जिगजैग रॉड भी रहता है उनको बस क्या होता है कि ये क्लोज ग्रिप है मारना है ये करना है वो करना है. जिगजैग रॉड का भी कुछ उसका डेफिनेशन ये है जब हम आपको एक ग्रिप में ले आते हैं ये तो जस्ट थिंक कि हमारा जो पाम है ना हमारा जो हाथ है थोड़ा सा इतना वो में आता है तो ये 80-90% समथिंग ये आपका हैमर कर लेना चाहिए. ये ज्यादा आपको काम करता है हैमर टाइप का जो हैमर कर्ल रहता है ये आपका ये करता है. सपोज हम उसको पूरा क्लोज कर देते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा वेट ज्यादा कैरी नहीं कर सकते और ये आपका आ जाता है पूरा क्लोज जो कि आपका बस पीक को अटैक करता है. तो मेरा मानना ये है कि आप आपका बाइसेप्स स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्ट्रेट बार से करो जो स्टार्टिंग में आपको बताया था सही फॉर्म में करिए पक्का आपका मसल्स गेन होगा. तो ये ऐसे ही आपको पार्ट वाइज में बताऊंगा. आज तो बताया
बारबेल बाइसेप्स कर्ल्स क्या होता है एक्चुअल फॉर्म में, आप अच्छे से फॉलो करो। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसे वन बाय वन आपको फॉर्म वाइज एंड पार्ट वाइज करना होगा। तो हम ऐसे ही पहले आपको फॉर्म वाइज एंड पोस्चर वाइज आपको बताऊंगा, तब आप अच्छे से, आप नहीं डर हो कि आप अच्छे पोस्चर में करोगे तो आपका गेन होने में और आपका मसल्स बिल्ड होने में कोई देर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही वीडियो को देखो, ठीक से फॉर्म को फॉलो करो और डाइट वाइट का कुछ भी क्वारी है तो मुझे आप पूछ सकते हो। हमेशा अंकित फिटनेस एंड अंकित फिटनेस कुमार में आप मेरा अकाउंट है फेसबुक में इंस्टाग्राम में, कमेंट में टेक्स्ट करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए जिनको दरकार है और बने रहिए मेरे साथ। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करिए, रेगुलर अपडेट आपको मिल पाएगा। सो सी यू सून विथ न्यू पोस्टर, न्यू वीडियो, टेक केयर।